लोग साधना करते हैं तो हमारे मूलाधार से जो ऊर्जा जागृत होती है, कोई भी साधना करो, कोई भी देवता की, उच्च कोटि के देवता, पिशाचिनी डाकिनी वालों की बात नहीं कर रहा, ये जो सच में साधना करते हो, साधना होती है मूलाधार से सहस्त्रार पर, जो ऊर्जा जागृत होती है तो मूलाधार में जो अशुद्धि होती है, तमस होता है, वो कम हो जाता है। इसलिए मूलाधार में क्या होती है, निद्रा, तमस, तमस कम होता है, तो आलस निद्रा कम हो जाती है साधना काल। ठीक है, अगर आलस निद्रा कम आ रही है तो आपकी साधना ठीक चल रही है। दूसरा है कि फिर जब आप स्वाधिष्ठान चक्र में जाती है ऊर्जा, वहाँ शुद्धिकरण होता है, तो हमें क्या होता है कि जो विकार है हमारे वो कम हो जाते हैं, क्योंकि विकार का केंद्र वही काम क्रोध कम हो जाएंगे। मणिपुर में जाएगी तो हमारी भोजन आहार कम हो, तो ये हमारी साधना ठीक चल रही है। अब यदि मान लो हम साधना कर रहे हैं और यदि भोजन हमने ज्यादा कर लिया तो क्या होता है, प्राण ऊर्जा हमारी वहीं पर भोजन बचाने में खत्म हो जाएगी, फिर वहां से प्राण ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, फिर स्वप्न दोष हो जाता है। अधिकांश लोगों को जो बोलते हैं ना, स्वप्न दोष हो जाता है हमें साधना काल में, तो आहार ज्यादा लेने के कारण से, इसलिए सात्विक आहार ज्यादा रसमय नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें निद्रा भी ज्यादा आएगी। ये यहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे पतन होता है। अब इन तीनों पे अगर हमने संयम साध लिया तो ये जो ऊर्जा तीनों चक्रों की बच जाती है वो ऊपर उठ जाती है और मणिपुर चक्र का भेदन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं नाभि के नीचे भोगी और नाभि के ऊपर युवक, कपड़ा पहनने से ज्ञानी होता है, इससे ज्ञानी, यही यही से योग होता है। और फिर वहां से हृदय चक्र में ऊर्जा पहुंचती है और वहां पर स्पंदित करती है। जैसे स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा जाती है तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र का अपना एक सुख हमें प्राप्त होता है, सुख भोग जो भी प्राप्त होना हो, संक्षणिक सुख जो है संसार का, आदमी उसी में उलझ जाता है। परंतु ऐसे ही तो सुख होता है, हर चक्र का अपना सुख होता है, निद्रा का सुख होता है, ऐसे ही हृदय चक्र का सुख होता है। जैसे हृदय चक्र में क्या है, ईश्वरो स्वरो भूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इसी हृदय चक्र में रहे, और यही से फिर उसको उसको अनुभव होने लगते साधना, ईश्वर के देवता के जो भी चीज का भी आत्मा का जो अनुभव वही होता है। समझ में आया, कोई भी अनुष्ठान करोगे और सारी ऊर्जा का केंद्र, सारी शक्ति का केंद्र, सारे देवताओं की ऊर्जा का केंद्र कौन है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्य, आत्मा ही ईश्वर है, अयम आत्मा च ब्रह्म, ये चार वेद वाक्य है ना, इसमें एक वाक्य है अयम आत्मा च ब्रह्म, वही आत्मा ब्रह्म हम ही है, अहम ब्रह्मा से जिसको कहते हैं। इसीलिए साधना काल में आहार जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण, आप आहार में संयम नहीं साध सकते हैं तो आप साधना नहीं कर पाए, कोई भी साधना में उन्नत होना। इसलिए कभी भी आपको भोजन करना तो हल्का भोजन करिए, लघु भोजन का ना, एकांत वासो लघु भोजना भी, लघु भोजन, जितना कम भोजन जितना रहेगा उतना हम लोगों को साधना में अच्छी सफलता मिलेगी। और दूसरी है समस्याओं के समाधान के लिए, बस जैसे ही आपका साधना में मणिपुर चक्र में पहुंचे आपको आत्मा की ऊर्जा मिलने लग जाती है। और अधिकांश जो ये सब मैथुन और ये सब आदि जो बताकर ये सब साधना बताते ना, तंत्र साधना, इसी में पैशाचिक शक्तियां होती नीचे के केंद्रों में, पैशाचिक तामसिक साधना सब मूलाधार चक्र वाले, तो ये मूलाधार की जो सिद्धियां होती है, पैशाचिक जितनी भी सिद्धियां है वो मूलाधार की सिद्धियां होती, तामसिक भूत प्रेत पिशाच की जितनी भी सिद्धियां वो मूलाधार वाली सिद्धियां, इसलिए वो गंदा खाओ गंदा रहो तामसी रहो ऐसा होता। और जो यक्ष गंधर्व अप्सराए सब राजसी चक्र मणिपुर चक्र के स्वाधिष्ठान चक्र के साथ वहाँ की ऊर्जा जागृत है, और उच्च कोटि की अगर ऊर्जा हमको चाहिए आध्यात्मिक ऊर्जा से तो आपको मणिपुर हृदय चक्र की चाहिए। और जो अग्नि चक्र होता है वो हमारे पापों को भस्म करता है, शरीर के जितने मल दोष हैं वो अग्नि चक्र में ऊर्जा जाने पर शुद्ध होता है। साधना के बहुत गूढ़ रहस्य हैं।
जो आ रहा है, तो इन गूढ़ रहस्य को समझ गया, वही साधना को समझ गया। बाकी तो सब इथोथा जल है, सब बाहर का, सब जो कुछ घुमाते रहते हैं। और जितनी भी उच्च कोटि की साधना है, जैसे भगवान महाकाल, जितने भी हम आपको समझा रहे हैं, उच्च कोटि के देवता है, ये इनकी साधना करते से हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर उठती है, उठती है कि नहीं? मतलब हवन करते अनुभव होता है, जब करते हो तो प्राण की ऊर्जा ऊपर उठती हुई अनुभव होती है। रीढ़ की हड्डी से कोई चलता है या मूलाधार में भी कोई गर्मी आ जाती है, ये जैसे देवता, उच्च कोटि के देवता जैसे आपके संपर्क में आएंगे, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तो आपको आनंद मिलने लगेगा। और जैसे ये पिशाच, प्रेत, पिशाच जैसे आपके संपर्क में आते हैं, तो आपकी ऊर्जा अधोगामी होती है, जो मूलाधार में ले जाती है, जो आपके लिए दुख अशांति का कारण बनती है। ये सूक्ष्म विज्ञान साधना का, मंत्र का, योग का, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान, जो इस विज्ञान को समझकर साधना करता है उसी को सफलता मिलती है। इसलिए आहार पर आपको नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। पहले जो हम लोग भागवत में भी सुना ना कि इन्होंने पहले साधना आरंभ की तो पहले फल खा के रहे, फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद फल छोड़ दिया, फिर जल पी के रहे, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर वायु पी के रहे, तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, फिर आकाश, ऐसे करते करते एक एक तत्वों को जीते रहते, प्राण ऊर्जा एक एक चक्रों को पार करती। हमारे जो पांच चक्र नीचे के हैं, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तत्वों के होते हैं, इनके अपने अपने स्वामी हैं। पांच तत्वों को जो जीत जाता है तो साधना इससे, और ये मंत्र साधना से होता है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना। और ब्रह्मचर्य क्या है कि सब स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा उसमें नष्ट न हो, ये ब्रह्मचर्य होता है। आहार कम से, ताकि नाभि चक्र की जो ऊर्जा है वो उसी में समाप्त न हो जाए। जैसे भोजन हमारा जाता है, वहाँ जो प्राण ऊर्जा रहती है वही घूम के पूरा उनको बचाने में लगा, क्योंकि उसको जब तक शुद्ध नहीं करेंगे, भोजन रहेगा तो मणिपुर, जो मणिपुर चक्र है वो जाम हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। जब तक उसको शुद्ध नहीं करेगा वो प्राण, तब तक जो है ऊपर उठेगा नहीं। सारा खेल इसी प्राण शक्ति, इसलिए भगवत गीता भगवान उसमें वेदों में, उपनिषदों में प्राणो वे सह कहा गया। तो जो समझ जाए बस यही सूत्र है, और ये बाकी सब क्या है, सब चीजें ऐसे ही, ये सब काम चलाने के लिए ठीक है, न करने वालों से वो लोग ठीक है। असली सूक्ष्म साधना ही है। ऐसे ही हम लोग जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं तो भूमि पर कम चलना चाहिए, खड़ा वगैरह पहनना चाहिए, ये सारी ऊर्जा का संग्रह करके हम लोग मणिपुर चक्रों को धक्का मारते हैं, उसको वेदन कर और हृदय चक्र पहुंचते, जहाँ हृदय चक्र में पहुंच गए कि आपका अनुभूतियाँ शुरू, वही से अनुभूतियाँ। बहुत से लोगों को अनुभूतियाँ नहीं होती, कहते हैं क्यों नहीं होते, क्योंकि वो उनके जो नीचे के चक्र होते हैं वो उसी में घूमते रहते हैं,